नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके साथ रीसेंट की ही एक खबर जो कि आपके अस्थायीकरण, वो भी कोर्ट के माध्यम से अस्थायीकरण से है। दरअसल खबर क्या है, अगर आप सभी अपनी स्क्रीन पर देखें कि शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर कल आएगा कोर्ट का निर्णय। आखिर केस क्या है, किस केस के ऊपर सुनवाई होनी है, क्या शिक्षा मित्रों का पक्ष मजबूत है या फिर क्या इसके पहले भी इस पर सुनवाइयां हुई हैं और सरकार का शिक्षा कोर्ट का शिक्षा मित्रों के पक्ष में जवाब रहा है या फिर नहीं, ये सब कुछ भी आपके साथ प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अब साथियों अपडेट आप सभी के स्क्रीन पर खुलकर आ चुकी है। आपको अपनी स्क्रीन पर दो पैराग्राफ्स यानी कि दो पेज दिख रहे होंगे। ये दोनों ही पेज आपके ही केस के स्टेटस के हैं, जहां पर पहला पेज यानी कि राइट साइड वाला जो पेज आपको दिख रहा है ये पहले का है, यानी कि जब आपकी सुनवाइयां मार्च में हुई थी, मार्च में सुनवाई हुई, उसके बाद कोर्ट ने कहा शिक्षा मित्रों को समान कार्य का समान वेतन क्यों नहीं मिलता, को इस पर सरकार जवाब दाखिल करे एक महीने के अंदर और इसकी सुनवाई 3 अप्रैल को होगी, जहां पर ये केस 3 अप्रैल को आपका लिस्ट किया गया था। इसके बाद 3 अप्रैल को सुनवाई हुई, फिर इसके बाद कोर्ट का जो फिर आपका कोर्ट का जो बयान आया, कोर्ट की जो सुनवाइयां हुई 3 को, वहां पर कोर्ट ने कहा कि अब आपका जो केस है वो 10 तारीख के लिए लिस्ट किया जाता है, यानी कि 10 तारीख के लिए लिस्टेड है आपका केस। आज है 9 अप्रैल, कल है 10 अप्रैल, जहां पर कल कोर्ट के द्वारा इस मामले के ऊपर दोबारा से सुनवाई करनी है कि शिक्षा मित्रों को समान कार्य का समान वेतन क्यों नहीं। फिलहाल इसके पहले भी कोर्ट के द्वारा शिक्षा मित्रों का पक्ष लिया गया, कोर्ट के द्वारा शिक्षा मित्रों के पक्ष में जवाब दाखिल किया गया, तो आशाएं हैं कि कल भी आपके पक्ष में कोर्ट के द्वारा कोई ना कोई निर्णय लिया जाए। फिलहाल के लिए कल तक का वेट करें, कल शाम तक मैं एक प्रॉपर वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में ये इंफॉर्मेशन दूंगा कि क्या कहा कोर्ट ने, कोर्ट का जजमेंट क्या आया। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें।